उनके अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, अपराधियों को भी कठोर से कठोर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं ऐसा बिहार सरकार के डीजीपी से, बिहार सरकार के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि तुरंत अपराधियों को आप गिरफ्तार करें। बिहार पटना के इंडिगो हेड रुपेश कुमार सिंह से मेरी पारिवारिक संबंध थी, वे मेरे ही प्रखंड और मेरे नज़दीक के रहने वाले नौजवान थे। शुरू में वह पहले कलकत्ता में काम करते थे, इंडिगो में। शुरू में मैंने ही उन्हें यहाँ पटना, जब इंडिगो शुरू हुई पटना से, तो मैंने ही प्रयास कर उनको पटना लाया था। आज उनकी निर्मम हत्या की जैसे मुझे सूचना मिली है, मुझे काफ़ी आघात लगा है, काफ़ी दुख हुआ है। मैं इस पर गहरा संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, अपराधियों को भी कठोर से कठोर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं ऐसा बिहार सरकार के डीजीपी से, बिहार सरकार के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि तुरंत अपराधियों को आप गिरफ्तार करें। और रुपेश के परिवार के प्रति भी मैं हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं। यह दारुण दुख और कष्ट सहने का ईश्वर उनको ताकत भी दें। मैं जैसे मैं सुना हूँ रुपेश कैसी निर्मम हत्या की, मुझे एक चक्का रह मन सा मुझे हो गया, क्योंकि मैं बहुत नई छोटे से, बहुत बचपन से भी मैं रुपेश को मैं देखा हूँ और आज यहाँ तक उनके एक प्रभाव जो उनके बढ़ा था, प्रभाव से भी आकर के विरोधी और अपराधी उन पर ऐसा या हत्या का काम किए होंगे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। इसकी पुनः मैं कहता हूँ कि इससे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार डीजीपी करावें और चुनौती के जैसा लेकर के, और उन अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। मैं डीजीपी से सीधे ऐसा मैं आग्रह कर रहा हूँ।